नमस्कार, आप देख रहे हैं केवाईएन पोस्ट। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गुरुवार को इकबाल मैदान में हजारों की संख्या में लोग भोपाल मध्य विधायक आरिफ मसूद के नेतृत्व में इकट्ठे हुए और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों का विरोध किया। हजारों की संख्या में पहुंचे लोगों के हाथों में तख्तियां थी और वह जोरदार नारे लगा रहे थे, साथ ही उनसे माफी मांगने की अपील की। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि केंद्र सरकार फ्रांस में भारतीय राजदूत को वहां के शासन के मुस्लिम विरोधी रुख के खिलाफ विरोध दर्ज कराने के लिए कहे। विधायक मसूद यही नहीं रुके और आगे ये भी कह दिया कि भारत सरकार को फ्रांस से सभी तरह के आर्थिक रिश्ते तोड़ देने चाहिए। उन्होंने कहा कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने भारत में रह रहे मुस्लिमों को आहत किया है, इसलिए भारत के प्रधानमंत्री को ये निर्णय लेना चाहिए कि फ्रांस से अब आयात निर्यात बंद कर दिए जाएं। इस दौरान इकबाल मैदान में भारी संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने न सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया और न ही मास्क लगाए, जिसके बाद तलैया थाना पुलिस ने विधायक आरिफ मसूद समेत 200 अज्ञात लोगों पर कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने का केस दर्ज किया है। टीआई दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि कोरोना गाइडलाइन उल्लंघन का केस दर्ज किया गया है। दरअसल ये मामला तब शुरू हुआ जब सितंबर में विवादित कार्टून मैगजीन चार्ली हेब्दो ने पैगंबर मोहम्मद के विवादित कार्टून छाप दिए। 2015 में इसी कार्टून को छापने को लेकर चार्ली हेब्दो के ऑफिस पर आतंकी हमला हुआ था, जिसमें आतंकियों ने कई कर्मचारियों को मार डाला। इस मामले में 14 आरोपियों के खिलाफ सुनवाई शुरू होने वाली थी, लेकिन उससे ठीक पहले चार्ली हेब्दो ने फिर वही कार्टून छाप दिए। इसके बाद इसी महीने 16 अक्टूबर को फ्रांस में 47 साल के एक शिक्षक पैटी की स्कूल के बाहर ही 17 साल के छात्र ने हत्या कर दी, क्योंकि उस शिक्षक ने पैगंबर मोहम्मद का कार्टून क्लास में दिखाया था। इस घटना के बाद आग में घी डालने का काम किया फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने। उन्होंने अभिव्यक्ति की आज़ादी के अधिकार का जमकर समर्थन किया था और मारे गए शिक्षक को श्रद्धांजलि देते समय कहा कि फ्रांस पैगंबर मोहम्मद के कार्टूनों को नहीं रोकेगा और फ्रांस का भविष्य कभी इस्लामवादियों के पास नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कि वे इस्लामिक अलगाववाद से लड़ना चाहते हैं। kynpost.com के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमसे जुड़े रहने के लिए बेल आइकन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कीजिए।